साथियों नमस्कार। आखिरकार अकोला में कांग्रेस ने उम्मीदवार देकर बाड़ा साहेब अम्बेडकर के पीठ में खंजर घोंपने का काम कर ही दिया। साथियों, कांग्रेस का अगर इतिहास हम देखें तो देश में ईवीएम लाने में और ईवीएम के माध्यम से बीजेपी को सत्ता में लाने में, उसी के साथ आरएसएस को बड़ा करने में कांग्रेस का हाथ है, ऐसा उसका इतिहास है। ऐसे में लोकशाही बचाने की, संविधान बचाने की या फिर लोकशाहीवादी इंस्टीट्यूट को बचाने की बात जो कांग्रेस करती है, ये मूलतः कांग्रेस का ढोंग है। साथियों, बात की जाए भ्रष्टाचार की तो कांग्रेस ने इस देश में 70 साल तक राज किया। कांग्रेस का छोटा सा छोटा ग्राम पंचायत का सदस्य से लेके बड़े से बड़ा नेता तक सभी भ्रष्टाचार में लिप्त है और यही कारण है कि अशोक चव्हाण हो या हर्षवर्धन हो, कांग्रेस का लोग अपने कारनामों पे पर्दा डालने के लिए बीजेपी का दामन थामते हुए हमें नजर आते हैं। साथियों, बीजेपी के लोग कांग्रेस में और कांग्रेस के लोग बीजेपी में आते जाते रहते हैं, यानी इन दोनों, यानी जो बीजेपी से हटता है वो कांग्रेस में जाता है, कांग्रेस से हटता है वो बीजेपी में जाता है, यानी ये लोग कांग्रेस बीजेपी में आते जाते रहते हैं और कांग्रेस छुपे तौर पे बीजेपी को ही मदद करता है। देखा जाए तो कांग्रेस में जितने लोग हैं उसमें से 80-85% लोग ये बीजेपी से, आरएसएस से आए हुए लोग ही कांग्रेस में हैं। ऐसे में लोकशाही बचाने की, संविधान बचाने की जो बात, जो प्रचार होता है वो असलियत में मूर्खता का प्रचार है। साथियों, अकोला में वंचित के खिलाफ उम्मीदवार देते हुए क्या कांग्रेस को संविधान बचाने की, लोकशाही बचाने की बात याद नहीं आई होगी? खुद प्रकाश अंबेडकर जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा और 7 जगह समर्थन देने की बात डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और 2 जगह भी तो समर्थन दे भी दिया, नागपुर और कोल्हापुर। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस को ऐसा नहीं लगा कि हमें 7 जगह वंचित समर्थन दे रही है तो 1 जगह पर क्यों ना बाड़ा साहेब अम्बेडकर को जीत के जाने दिया जाए। लोकशाही और संविधान बचाने की बात है तो अम्बेडकर के वंशज को, बाड़ा साहेब अम्बेडकर को चुनके जाने दिया जाए। लेकिन फिर भी बाड़ा साहेब अम्बेडकर के विरोध में कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार अकोला में डॉक्टर अभय पाटिल को, जो आरएसएस से संलग्न है, मराठा वो है और आरएसएस में रह चुके हैं, उनके पिताजी आरएसएस के सदस्य, ऐसा उनका इतिहास है, उनको वहां से टिकट दी। साथियों, एनालिसिस किया जाए 2014 के इलेक्शन की और 2019 के इलेक्शन की तो बाड़ा साहेब अम्बेडकर का सीधा कांग्रेस पर आरोप है कि कांग्रेस जानबूझकर मेरे खिलाफ मुस्लिम कैंडिडेट्स अकोला में उतारता है और यह सच भी है। इसी कारण दोनों बार कांग्रेस के ही कारण बाड़ा साहेब अम्बेडकर की सीट अकोला में गिरी है और यह तीसरी बार भी होने जा रहा है
कि कांग्रेस के ही कारण वंचित प्रकाश अंबेडकर जी की सीट ये अकोला में गिरने जा रही है। इसका पूरा जिम्मेदार कांग्रेस ही है, क्योंकि अगर एनालिसिस किया जाए जो बीजेपी के धोत्रे है, जो बीजेपी के प्रत्याशी धोत्रे है, वो उनको 5 लाख वोट से भी वो विजयी हुए और प्रकाश अंबेडकर जी को 3.25 लाख वोट मिले हैं। और तीसरे नंबर पे रही जो कांग्रेस है, जो दोनों बार तीसरे नंबर पे होती है, उस कांग्रेस को 2.25 लाख या 2 लाख ऐसे मत मिले हैं। साथियों, कांग्रेस का अगर उम्मीदवार खड़ा वहां पे नहीं होता या कांग्रेस अपना उम्मीदवार वहां पे नहीं उतारती तो ये बाड़ा साहेब अंबेडकर की जीत वहां पे सुनिश्चित थी, क्योंकि वो 2.75 लाख और इधर 2.25 लाख का आंकड़ा, ये दोनों मिला के 5.5 लाख का आंकड़ा बनता है। और आराम से 5 लाख वोट वाले धोत्रे को आराम से हराया जा सकता था, लेकिन वहां पे अकोला में कांग्रेस ने उम्मीदवार देकर, जानबूझ के उम्मीदवार देकर बाड़ा साहेब अंबेडकर चुन के नहीं जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने जानबूझकर उम्मीदवार दिया। साथियों, इनको दरअसल सच्चा प्रतिनिधि, बहुजनों का सच्चा प्रतिनिधि ये चुनकर जाने ही नहीं देना है। तीसरा फ्रंट खड़ा हो ये कांग्रेस बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग चाहते ही नहीं है। और यही कारण है कि जो भी परिवर्तनवादी या बहुजनवादी जो लीडर्स हैं, उनकी मुंडियां उनके राज्यों तक ही सीमित रखना या फिर उनको सर उठाने ही नहीं देना, यह पहले से ही कांग्रेस बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा रहा है। साथियों, अगर सही में बहुजन मूवमेंट, अंबेडकराइट मूवमेंट, फुले शाहू अंबेडकरवादी मूवमेंट को मजबूत करना है, कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के जो परिवर्तनवादी लोग हैं, उन्होंने एक आके तीसरा फ्रंट बना के ही इनको रोका जा सकता है और बहुजन मूवमेंट को मजबूत किया जा सकता है। ये करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। चाहे बहन मायावती जी रहो बीएसपी की या एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर हो या फिर और भी परिवर्तनवादी जो लीडर्स है, जो बहुजन का रियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वही लोग बहुजनों के सच्चे प्रतिनिधि है, न कि कांग्रेस बीजेपी के। ऐसा किया जाना चाहिए और ऐसा होगा, इसी आशा और विश्वास के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।